6 पे आ चुके हैं हम, और हम आज के प्रोग्राम का टॉपिक ये है कि हाउ टू फाइंड वेदर द फॉलोइंग ईयर इज अ लीप ईयर और नॉट। तो आपको ये बताना है कि कोई भी जो ईयर है वो लीप ईयर होगा या नहीं होगा। देखिए, सबसे पहले इसमें आपको मैथ्स के जो फॉर्मूले है वो इंपॉर्टेंट है। जब भी सी प्लस प्लस प्रोग्राम में मैथ्स के फॉर्मूले हमेशा मेन होते हैं। जिसकी मैथ्स अच्छी है उसकी सी प्लस प्लस भी कुछ हद तक अच्छी हो सकती है, बस थोड़ा सिंटेक्स का देखना होता है। देखिए, हाउ टू फाइंड अ लीप ईयर। सबसे पहले तो आप हेडर फाइल इंक्लूड कर दो। हैश इंक्लूड आईएसट्रीम डॉट एच, हैश इंक्लूड कोनियो डॉट एच। तो हमने ये इंक्लूड कर दी। सबसे पहले फर्स्ट टू हेडर फाइल्स इंक्लूड करनी होती है, सबसे मेन। उसके बाद हम वॉइड मेन इंक्लूड कर देंगे, जिसके अंदर हमारा पूरे प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन होगा, इंट मेन। अब हम एक वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं जिसके अंदर जो भी हम ईयर की वैल्यू डलवाएंगे वो उसके अंदर स्टोर हो जाएगी। उसके लिए एक वेरिएबल इंटीजर टाइप का, यानी इंट ईयर, ये हमारा वेरिएबल है। इंट ईयर, ईयर क्या है, वेरिएबल है पूरे, जिसके अंदर वो जो ईयर की वैल्यू हम डलवाएंगे, जैसे 1994 डलवाया तो वो स्टोर होगा इसके अंदर। अब देखिए, सी आउट एंटर The वैल्यू ऑफ ईयर, जो भी ईयर आप एंटर करवाना चाहते हो उसको पहले डिस्प्ले करवाओ, फिर सीन ईयर। इसमें आप जो भी वैल्यू एंटर करवाओगे वो डायरेक्टली इस वेरिएबल ईयर वेरिएबल जो हमने डिक्लेयर किया हुआ है इंटीजर टाइप का, उसमें स्टोर हो जाएगा। अब देखिए, अब आती है इसकी कैलकुलेशन की, भाई हम निकालेंगे कैसे कि ये वाला ईयर हमारा लीप ईयर था और ये ईयर हमारा लीप ईयर नहीं है। तो देखिए बच्चे, उसके लिए आपको ना मैथ्स आनी चाहिए सबसे इंपॉर्टेंट। मैं कैलकुलेशन जो भी पार्ट है वो मैं यहाँ पे बताऊंगा। कोई भी ईयर लीप ईयर है, कोई भी ईयर लीप ईयर नहीं है, उसके लिए दो तरीके होते हैं। या तो वो ईयर नंबर डिवाइड होना चाहिए 400 से और इक्वल टू जीरो आ जाए, या तो वो ईयर डिवाइड होना चाहिए 400 से और इक्वल टू जीरो आ जाए। पहली कंडीशन है ये। दूसरा काम ये है, या तो वो जो पर्टिकुलर ईयर है वो डिवाइड हो 100 से और नॉट इक्वल टू जीरो हो, वो जीरो की इक्वल ना आए और जो भी आएगा, जो भी बचा, वो दोबारा डिवाइड हो 4 से और वो इक्वल टू जीरो हो जाए। अब मैं इन दोनों की वैल्यूज लेके भी करके बताऊंगा मैं आपको, लेकिन मैंने आपको सबसे पहले प्रोग्रामिंग कोड बता दिया है कि या तो वो ईयर की वैल्यू 100 से डिवाइड होकर नॉट इक्वल टू जीरो हो और जो भी बचा रिमाइंडर उसको 4 से डिवाइड करके इक्वल टू जीरो हो, या फिर वो जो ईयर है वो डिवाइड 400 से होके सीधा जीरो हो जाए। तो ये दोनों ईयर लीप ईयर कहलाते हैं। इतनी बात क्लियर है आपको? अब आइए इसमें प्रोग्राम का इसका कोड लिखते हैं। इफ से शुरू करते हैं क्योंकि कंडीशनल स्टेटमेंट है। ईयर लीप ईयर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। इफ ईयर इज डिवाइडेड बाय 100 एंड नॉट इक्वल्स टू जीरो, अगर ईयर 100 से डिवाइड होके नॉट इक्वल टू जीरो है, एंड यानी ये जो कंडीशन लिखूंगा ये इसके साथ इंक्लूडेड होगी, एंड ईयर डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू जीरो। देखिए, अब जो ईयर है वो डिवाइड हो 100 से और नॉट इक्वल हो जीरो के, और जो भी बचा, जो भी रिमाइंडर आया वो डिवाइड हो 4 से और इक्वल हो जाए जीरो के, तो वो ईयर जो होगा लीप ईयर होगा। या एक तो ये कंडीशन हो सकती है, ये दोनों आपस में इंक्लूडेड है। और अब देखिए, और का सिंबल होता है ये जो दो पैरेलल लाइंस होती है ये होता है और का सिंबल, और जो भी ईयर हो वो सिंपली डिवाइड हो रहा हो 400 से और आंसर दे रहा हो जीरो। तो ये पूरी कंडीशन है लीप ईयर के लिए। लीप ईयर के लिए ये पूरी कंडीशन है, या तो जो ईयर है वो 100 से डिवाइड होकर नॉट इक्वल टू जीरो हो और जो बचे वो डिवाइड 4 से होकर जीरो दे दे। दूसरी कंडीशन कि जो भी ईयर है 400 से डिवाइड होकर सिंपली जीरो दे दे। तो हम सी आउट क्या करवाएंगे, ईयर इज लीप ईयर। पहली बार क्लियर हो गई, सी आउट क्या आया, ईयर इज अ लीप ईयर। और देखिए ब्रैकेट क्लोज। अब एल्स,
एल्स। अब भाई या तो ईयर लीप ईयर हो सकता है नहीं हो सकता, अगर ये फॉल्स हो गई जैसे 2018 के लिए फॉल्स हो जाएगी तो एल्स में सी आउट करवा दो ईयर इज नॉट अ लीप ईयर। और यहाँ पे क्लोज, यहाँ पे आप गेट सी एच लिखाइए ताकि प्रोग्राम आपका खत्म होकर जो उसकी वैल्यू है वो सी आउट करवा दे, यानी उसको शो करवा दे गेट सी एच। और एक ब्रैकेट क्लोज, जिसका ब्रैकेट है वो यहाँ क्लोज होता है प्रोग्राम के एंड में। अब देखिए मैं दो एग्जांपल देता हूँ, अगर मैंने ईयर की वैल्यू 2000 एंटर करवाई, 2000, अब देखिए 2000 को अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई कर 100 से डिवाइड करूँ तो 200 हो जाएगा, 4 से करूँ तो 0 हो जाएगा, यानी लीप ईयर है। अगर मैं 2000 को देखिए डायरेक्टली 400 से कर दूँ डिवाइड तो कितना आया 5, करेक्ट है बताइए, ये तो क्वेश्चन है, लेकिन ये जो है रिमाइंडर को डिनोट करता है, जो ये 0 0 लिखे हैं मैंने ये रिमाइंडर है ना कि क्वेश्चन है, क्वेश्चन तो कभी 0 आ ही नहीं सकता भाई, तो ये रिमाइंडर देखिए रिमाइंडर 0 हो गई क्योंकि एक फाइनाइट वैल्यू आ गई मेरे पास, तो यानी 2000 इज अ लीप ईयर। इतना क्लियर है? अब देखिए फर्स्ट एग्जांपल हो गया हमारा 400 को लेके, अब मैं अगर ईयर की वैल्यू 2016 2016 एंटर करवाता हूं तो 2016 डायरेक्टली इससे डिवाइड नहीं हो सकता, देखिए बच गया रिमाइंडर भाई, तो यानी अगर 2016 में 400 की वैल्यू डाले तो लीप ईयर नहीं आ रही है, दिस इज इसके अनुसार क्या कह रहे हैं 2016 इज नॉट अ लीप ईयर बट इट इज अ लीप ईयर। देखिए कैसे, अब ईयर की वैल्यू कितनी है 2016 को पहले 100 से डिवाइड करो, 100 2 200, ये बचा 1 और ये 16 बच गया आपका, तो यानी जो भी रिमाइंडर है वो नॉट इक्वल टू 0 है, हाँ भाई नॉट इक्वल टू 0 है क्योंकि हमारा 16 बच गया। अब 16 को डिवाइड करवाओ 4 से, यानी 0 आ गया भाई, 4 से करवाया तो 0 आ गया, हाँ जरूर आ गया, तो क्या हो गया 2016 इज अ लीप ईयर। इतना क्लियर है? इसलिए हम दोनों कंडीशन जो है वो इंक्लूड करते हैं क्योंकि कुछ नंबर्स जो होते हैं वो डायरेक्टली 400 से डिविजिबल नहीं होते, लेकिन अगर उन नंबर्स को ब्रेक किया जाए तो वो 100 और 4 से दोनों से अलग अलग डिविजिबल होके लीप ईयर बन जाते हैं। इट मींस दैट 2016 इज अ लीप ईयर। तो हमारा प्रोग्राम नंबर 6 खत्म हो चुका है जिसमें हमने ये ढूंढा है कि जो भी फॉलोइंग ईयर होगा वो लीप ईयर होगा या नहीं होगा। आई होप आपको ये प्रोग्राम जो है वो समझ आया होगा, अगर आपको कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो या फिर मेरी मेल आईडी पे आप मुझे मेल ड्रॉप कर सकते हो। एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड जो बेल आइकन है उसे आप प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू।